दोस्तों गूगल हमेशा से ही लीक्स के मामले में बहुत आगे रहता है, इसीलिए अपने पास आ चुकी है गूगल पिक्सल 8a की सारी लीक्स। आज हम बात करेंगे गूगल पिक्सल 8a के बारे में और देखेंगे क्या कुछ अपने साथ ये लेकर के आने वाला है। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को और शुरू करते हैं इसकी बिल्ड एंड डिजाइन से। डिजाइन की बात करें तो गूगल पिक्सल अपने सिग्नेचर डिजाइन को फॉलो करते हुए इस बार फिर से गूगल पिक्सल 8a को लॉन्च कर रहा है और यहाँ जो इसका डिजाइन होने वाला है वो पिछले वेरिएंट यानी कि 8 सीरीज के जैसा ही इसका डिजाइन हमें देखने के लिए मिलेगा। बैक में यहाँ पर प्लास्टिक दिया जाएगा लेकिन साइड फ्रेम जो होने वाले हैं वो अल्मुनियम के होने वाले हैं। अब डिस्प्ले की बात करा जाए तो यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास विक्टर 3 की प्रोटेक्शन मिलेगी। अब देखो प्रोटेक्शन चाहे गोरिल्ला ग्लास 5 की हो या फिर गोरिल्ला ग्लास 3 की हो, स्क्रैच सब में आ जाते हैं तो ये मैटर नहीं करता, टेम्पर ग्लास यूज करना पड़ेगा। लेकिन जो डिस्प्ले के चिन्ह एंड बेजल्स दिए गए यहाँ पर काफी ज्यादा बड़े हैं जो इसके प्राइस के हिसाब से ठीक नहीं है। 6.1 इंच की FHD प्लस OLED डिस्प्ले होगी जो लाएगी अपने साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 2000 नीट की पीक ब्राइटनेस। HDR 10 प्लस का सपोर्ट, वाइड बैंड L1 मिल जाएगा। यहाँ पर 4500 mAh के बैटरी सेल का यूज करा गया है और लीक्स कह रहे हैं कि 30 वाट तक फास्ट चार्जिंग आ सकती है। कुछ लीक्स ये भी कह रहे हैं कि 27 वाट पर आएगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो फोन लॉन्च होने के बाद देखेंगे कि कितने वाट की फास्ट चार्जिंग आ रही है। अब देखो जो मेरी वीडियो है यहाँ पर जो मेरा तरीका बात करने का थोड़ा सा अलग है, आप पुरानी वीडियो भी देखेंगे तो मैं जनरली उन चीजों पर बात करता हूँ जो एग्जैक्ट फोन में होती है, ना कि उन चीज़ों पर कि ये चीज़ अच्छी है ये चीज़ अच्छी है चीज़ अच्छी करके मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो एक्चुअल में जो चीज़ होती है मैं उस चीज़ों को आपको मतलब शेयर करता हूं। मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बात करना पसंद करता हूं, शायद इसलिए मेरी पुरानी वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहे। बाकी एक बार आप मेरी पुरानी वीडियो भी चेक करना, आपको खुद पता चलेगा कि एक्चुअल में वो चीज़ है या नहीं है जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 मिलेगा और जैसा गूगल खुद प्रॉमिस करता है कि 7 साल के OS एंड सिक्योरिटी अपडेट आपको दिए जाएंगे। अब देखो मार्केट में जो पहले से पिक्सल डिवाइसेस मौजूद हैं वहाँ पर टाइम टू टाइम अपडेट आ रहा है और कहीं ना कहीं पिक्सल अपने प्रॉमिस पर खरा उतरता भी नजर आ रहा है। अब यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए लगा होगा टेंसर का G3 चिपसेट, LPDDR5X की रैम, UFS 3.1 की स्टोरेज। लेकिन यहाँ पर हम चिपसेट पर आ जाते हैं, इसके जो कंपैरिजन में आता है वो आता है स्नैपड्रैगन का 8 जेन 1 वाला प्रोसेसर जो कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, हैवी गेमिंग कराता है। अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं तो काफ़ी स्मूथ आपकी वीडियो एडिटिंग वगैरह को भी मतलब करा देता है। लेकिन जो टेंसर का G3 चिपसेट है ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हीट करता है। अब देखो मेरा मानना यह है कि जो सैमसंग का एक्जीनोस वाला प्रोसेसर है उसी को ये रीटोन करके यहाँ पर टेंसर नाम दे करके पिक्सल डिवाइसेस में दिए जा रहे हैं और इसी वजह से जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो निकल करके नहीं आती, फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट होता है। आप लोगों की क्या राय इस बारे में मुझे कमेंट में बताना। लेकिन अब हम बात कर लेते कैमरे पर। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा रहेगा प्लस OIS, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड रहेगा और 13 मेगापिक्सल की ही सेल्फी रहेगी। अब ये जो कैमरे का सेटअप है ये दोस्तों हमें इनकी पिक्सल 7 सीरीज में देखने के लिए मिला था, जैसे कि गूगल पिक्सल 7 प्रो वहां पर भी हमको यही कैमरे का सेटअप देखने के लिए मिला था। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि इनका जो कैमरे का परफॉर्मेंस इस बार कैसा होने वाला है। लेकिन मेरा मानना दोस्तों ये है कि इस बार थोड़ा सा ये हमको रीट्यून वगैरह करके देंगे तो कहीं ना कहीं पिक्सल 7 सीरीज से तो अच्छा रहने ही वाला है इनका कैमरा। बाकी आपका क्या मानना है मुझे कमेंट में बताना। बाकी आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो।